मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेट कर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ, मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, जा कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान शंकर ने कुबेर को नीचे उतार दिया और यह चोट्टे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बना दिया, जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो यह चोट्टा है, चोर है। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण करने बुला लिया, आओ साहब हमारे यहाँ आकर भोजन करो, क्यों, सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ का राज सत्ता तो देखो कितनी है। अब वो चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, सबको, और शंकर जी को बुलाना भूल गया। इतने में देवऋषि नारद जी वहीं से आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले, आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले, हम तो पालेंगे, पर ये तो बता, चोट्टे तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको बुलाया? कि महाराज, मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है, जब व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता है, बढ़ते चले गया, धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसकी संपदा से, जिसके आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को भूला, उसी को। भवन कुबेर जी ने कहा, मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा, जाओ विनती करो। नारद जी ने जैसे ही कहा, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास में, हर हर। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? इतने में कुबेर बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन अटेंड करेगा? इतने में भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोला, प्रभु वो इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा, इतना तो केना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूं, इसीलिए उसको भेज, वो क्या खाएगा। बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब तो समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता पार्वती से कहा, मां मां। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है मां, घर का बड़ा बेटा कौन है? भगवान पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय, तू जब बड़ा बेटा मैं हूं तो सबसे पहले पार्टी अटेंड करने का हक किसका? तेरा। तो शंकर जी ने, पिताजी ने गणेश जी को कुबेर भैया के यहां भोजन करने क्यों भेजा? शंकर जी आएंगे, उनसे पूछेंगे। भोलेनाथ जी जैसे ही आए, पार्वती ने पूछा, क्यों उपद्रव करवाते हो प्रभु, ये सब प्रपंचा क्यों करवाते हो, जब तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं तो फिर ये बड़े को तुमने भेजा क्यों नहीं? इतने में शंकर जी बोले, मुझे मालूम है कहां पर कौन सी पार्टी में किसके घर किसको भेजना, लिफाफा लेके सब मालूम, कौन सी शादी किसको अटेंड कराना ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने गणेश जी को मां भेजा। और गणेश जी से कहा, बेटा अच्छे से जीवना। गणेश जी बोले, पिताजी नाक कटाऊंगा नहीं, क्योंकि नाक मेरी लंबी है, तुम चिंता करो मत, जीवने बेटा तो उठूंगा नहीं जब तक आपकी सूचना आएगी नहीं। और गणेश जी महाराज पहुंच गए, शाम को 7 बजे भोजन का टाइम, 4 बजे पहुंच गए।
और 4 बजे जैसे गणेश जी पहुंचे आवाज लगाई कुबेर भैया। अब जैसे बोले कुबेर भैया तो कुबेर भैया तो नहीं है, कुबेर जी की धर्म पत्नी निकलकर बाहर आ गई। और कुबेर जी की पत्नी ने कहा गणेश जी भोजन का टाइम तो 7 बजे। इतने में गणेश जी बोले भाभी जी सब लोग जिम में आ जाएंगे, मैं छोटा सा कहां बैठ के जिमूंगा, इसलिए आ गया। अंदर से कुबेर जी बोले अब आ गया है तो जिम ले दो। अच्छा जितने जिम के जाएंगे टाइम तो निकल जाएगा और समय 33 करोड़ देवी देवता का भोजन बना, इसको जल्दी जल्दी जिमा जुमू के नचीत कर। ऐसे गणेश जी को बिठाया, आओ गणेश जी बैठो। भाभी ने कहा बैठो। गणेश जी बोले भाभी बैठ जाऊं? हाँ बैठ जा। चौकी लगा के गणेश जी के बिठा दिया और अब थाली जैसे ही लगी भाभी थाली लगा के लई। गणेश जी खाते गए, जैसे खाते गए 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 33 करोड़। अब 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब 15 मिनट में निपटा, सारा भोजन खत्म। गणेश जी आवाज लगाए भाभी और लिया। भाभी गई तो चने की दाल की बोरी, चावल की बोरी, आटे की बोरी सूखी सूखी धरी आई, वो सूखा सूखा ही खा गया। घर का जितना माल था, दुकान का जितना माल, भंडारे का जितना माल सब खा गया। इतने में कुबेर जी की पत्नी दौड़ती दौड़ती गई, स्वामी स्वामी। स्वामी जी बोले क्या हो गया? कुबेर जी बोले हुआ क्या कि वो सब खा गया। कि कौन? तो कि वो गणेश। तो कि वो तो इतना सा था। तो वो इतना सा तो है पर तोन जोरदार है, सब खा गया। इतने में कुबेर जी नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी तो आनंद में लगे हुए थे, खूब अलमस्ती। नारद तो नारद, वो अलमस्ती में। श्रीमन्नारायण 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 Narayan, 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 Naray
कुबेर जी ने कहा, नारद जी कुछ करुणा कर दो प्रभु, हमारे यहाँ का सारा भोजन कर गए वो गणेश जी महाराज, सारा भंडार खाली हो गया। इतने में नारद जी बोले, भैया उसको तो एक ही रोक सकता है, कौन कौन रोकेगा के भोलेनाथ जी के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। जाओ भोलेनाथ जी से विनती करो। और उसी समय पर कुबेर जी दौड़ कर गए भोलेनाथ जी के पास में। हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है कुबेर, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है। कुबेर जी ने कहा, प्रभु वो गणेश जी। शंकर जी बोले, गणेश को क्या हो गया, वो दुनिया को सब कुछ कर देता है, उसको क्या हो गया। कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 33 करोड़ देवी देवता को हुआ, कुछ बचा ही नहीं है, वो सब खा गया। भगवान शिव ने कहा, क्या चाहते हो, उनको जीवने से रोक दो प्रभु, कुछ बचा ही नहीं है, आप देखेंगे। शंकर जी ने एक दोबा दुर्बा उठा कर दे दी कि गणेश जी को दे देना, कि ना ये दांत खरोच ले। कुबेर जी लेके एक दोबा चले। कुबेर जी ने सोचा, खाया इतना है तो एक दोबा से क्या काम चलेगा। जाते जाते उन्होंने दोबा की गड्डी बना ली। आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्बा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्बा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी होंगे। तो कुबेर जी ने चलते चलते बहुत सारी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी, लो प्रभु। कहां चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है, उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सुंड के गणेश, एक लेफ्ट सुंड के गणेश। राइट सुंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सुंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सुंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान व्यापार व्यवसाय में अगर राइट सुंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं, इसलिए घर में सीधी सुंड का गणेश, और दुकान व्यापार व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सुंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के वो बदल लिया, यहाँ कहा दिया, यहाँ कहा दिया, अब रखे रखे रहने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की दो धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है गणेश जी की 5 पत्नी, पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि, कितनी है 5। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया, और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जामी, एक ही मात्रा जी लिखते।